हाय दोस्तों, कैसे हैं? आशा है आप अच्छे हैं, मस्त हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। आज हम एक ऐसी योजना के विषय में चर्चा करेंगे जो किसानों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय रही है और इसकी शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 दिसंबर 2018 को लागू किया था। इस योजना के तहत हर साल किसान को 6,000 रुपये दो हज़ार की 3 किस्तों में दिया जाता है। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बात कर रहे हैं। इस योजना में समय समय पर इसके पोर्टल पर समय समय पर कुछ न कुछ बदलाव होते आए हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके पोर्टल पर चल के देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी किस्तें आ चुकी है, कब कब आई है और कौन से अकाउंट में आई हैं। तो इसके लिए हम अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं और हम हमारे मोबाइल की क्रोम ब्राउज़र पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं सामने सर्च बार में हम पीएम किसान .gov.in ये इसका ऑफिशियली साइड है और हम पीएम किसान डॉट पहले वाले पे क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम आ चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियली साइट पे। ये इसके कुछ बातें लिखी हुई हैं, बायोमेट्रिक बेस ईकेवाईसी, आप इसको पढ़ सकते हैं। हम नीचे आ जाते हैं, ईकेवाईसी लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड रिफंड लिखा हुआ, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है और आपको मैं बता देता हूँ कि हमको बेनिफिशियल स्टेटस में आना है। बेनिफिशियल स्टेटस ये आप देख रहे हो, यहाँ आना है और इसमें हम क्लिक करके देखेंगे क्या होता है आगे। तो दोस्तों, एक नया विंडो खुल गया है हमारे सामने जिसमें 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, सर्च बाय, इंटर वैल्यू और इंटर इमेज टेक्स्ट। तो हम यहाँ देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है। यहाँ अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल के देख सकते हैं, या आपके अगर मोबाइल नंबर याद है जो लिंक है वो डाल के आप देख सकते हैं। तो जैसा आपको पता है कि मैं किसान हूँ तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो वो मैं डाल के आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डाल दिया है और अब हम नीचे आएंगे, एक इमेज कोड दे रखा है जिसमें हम पहले क्या करते थे, जो नीचे इमेज दिख रहा होता है उसको ही डालते थे, पर अब इसमें बदलाव कर दिया गया है, हमें अब नया जनरेट करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो J3B8EZ लिखा हुआ है, जो इमेज दिख रही है, इस पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, मतलब कुछ देर दबा के रखेंगे तो हमें एक नया विंडो खुलेगा जिसमें ओपन इमेज इन न्यू टैब पे आपको क्लिक करना है। मैंने कर दिया। अब हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, जहां आपको 2 नंबर दिख रहा है वहां चले जाएंगे। तो मैं आपके सामने चला जाता हूं और नीचे दिख रहा है कैप्चर्स, आपको मैं बता देता हूं, कैप्चर्स जो दिख रहा है वहां चले जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया इमेज आपको खुल के दिखेगा। इस इमेज को हम कॉपी कर लेते हैं, इस इमेज को हमने कॉपी कर लिया। फिर से हम 2 पे जाएंगे, इसको बैक करेंगे, और हम इमेज कोड पे जाएंगे और हमने जो उधर से इमेज कॉपी किया था QMHJS और K, अब हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। शायद मेरा नेट स्लो चल रहा है। आपके सामने एक इमेज खुल के आएगा, ये हालांकि मेरा है, इसमें नाम मैंने, यहाँ फार्मर का नाम है
और नीचे स्टेट देख रखा है, विलेज दे रखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर देख रखा है और एक स्टेटस आपको दिख रहा होगा PFMS बैंक स्टेटस, फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS बैंक। ये होना जरूरी, एक्सेप्ट होना जरूरी है आपका। ये मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, आप अपने इंस्टॉलमेंट सभी देख सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 और अब 11 वाला आने वाला है, वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। मतलब ये अभी वेटिंग में है, मतलब थोड़े बहुत दिन में मेरा 11वीं किस्त आ जाएगी। हालांकि अभी 12वीं किस्त आ रही है तो हमारी हो सकता है किसी कारण से एक किस्त नहीं आई थी, तो ऐसे रेगुलर है हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्टेटस देखने में कोई समस्या आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, मैं उस पर कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या हल कर सकूँ। धन्यवाद।